केमिस्ट्री क्लासेस और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसके बारे में सारी डिटेल्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं और उसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर्म्स, जैसे हमने जीरो का निकाला था, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है इसका, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो है बहुत ज्यादा आता है। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, तो जो हमारे पास, अगर हमारे पास जनरल रिएक्शन है कि रिएक्टेंट से क्या बनना है, प्रोडक्ट बनना है, तो जो इसका रेट एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी। दिस इज द डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर या कोई भी ऑर्डर हो सकता है। तो जो इसका रेट है वो क्या हो जाएगा, के, और यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट्स, और उसकी पावर क्या आएगी, वन। उसकी पावर क्या आएगी, वन। तो इसका मतलब क्या है कि वो रेट ऑफ द रिएक्शंस या वो रिएक्शंस जिसमें क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स की वन पावर पे या फर्स्ट पावर पे या एक पावर पे या उसकी, सिंपल कह सकते हैं कि उसके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि किसी की पावर वन का मतलब कितना होता है, वही होता है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं हमारे इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल्स है, ऑल द, ये आपको याद रखना है कि ऑल द रेडियो एक्टिव डिके, ऑल द रेडियो एक्टिव डिके। आपने देखा होगा जो आपका यूरेनियम है, थोरियम है, पोलोनियम है, ये सब क्या होते हैं, टूट जाते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्या बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बनाते क्या है वो अलग मैटर है, बट जो इनका ऑर्डर है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। क्या होता है, फर्स्ट जितने भी आपके फर्स्ट ऑर्डर डिके होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। अगर आपको देखा कि थोरियम कन्वर्ट इनटू दिस, यूरेनियम कन्वर्ट इनटू दिस, तो उसका मतलब क्या, आप आंख बंद करके आप कह सकते हैं कि जो इसका ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है ना, दूसरा हमारे पास क्या होता है कि व्हेन हाइड्रोजन परऑक्साइड इट डिकम्पोज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, तो ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा आपके पास क्या है कि एसओ टू सी एल टू थायनक्रोएट, या पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या एस पी ब्लॉक में, तो वहां पे क्या होता है, इट कन्वर्ट इनटू डिकम्पोज इनटू एसओ टू एंड सी एल टू, तो इसका भी ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है इसका, फर्स्ट। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, मींस इसकी जो इक्वेशन है इंटीग्रेटेड फॉर्म में, तो उससे पहले हम क्या निकालते हैं, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे हमने जीरो का निकाला, सेम इसका भी निकालते हैं। तो हमारे पास आर क्या है, कन्वर्टिंग इंटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इंटू प्रोडक्ट, जनरल रिएक्शंस है। तो रेट क्या हो जाएगा इसका, डी आर अपॉन डी टी, दिस इज द डिफरेंस। ये क्या आपके पास इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड ये कह सकते हैं आपके पास इंस्टेनियस, ये आपका रेट कैसा है, इंस्टेनियस। इसको हम बोल सकते हैं कि आर इंस्टेनियस, क्योंकि जब आप किसी भी एक शॉर्ट टाइम पे निकालते हो तो रेट कैसा निकालेंगे उसका, इंस्टेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। अब देखो हम देखते हैं हमारा ऑर्डर के हिसाब से, तो आर कितना आएगा, के, और रिएक्टेंट की पावर क्या आएगा, वन। इसकी पावर क्या आएगा, वन, क्योंकि ऑर्डर क्या है इसका, यहाँ पे एन कितना करा है आपने, वन कर दिया। ठीक है, दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी, इक्वल में क्या हो जाएगा, के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर अपॉन आर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू, और इस माइनस को हम क्या लेंगे, वहां पे ले गए, तो क्या हो जाएगा, के इंटू डी टी। तो ये क्या आ जाएगी, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो जो मेन काम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होता है। अब हमें करना है इसका इंटीग्रल फॉर्म, मतलब इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालना है कि टोटल यदि हमें निकालना है तो कैसे करेंगे। सिंपल आपको बताया कैसे करते हैं इसको, बाय इंटीग्रेटिंग। तो क्या करेंगे इसको, ऑन इंटीग्रेटिंग, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या आएगा, डी आर अपॉन आर, डी आर अपॉन आर, और यहाँ पे आप के को बाहर ले लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी। ठीक है, अब देखो ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद आ रहा होगा, डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल एक्स एक्स होता है, या बोलते हैं उसको एल एन एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के और इंटू टी, और प्लस क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट एम,
तो हमने क्या मान रखा है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट को, एम मान रखा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, डीएक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, बट लॉग भी कौन सा होता है, नेचुरल लॉग होता है, तो उसको एन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम कन्वर्ट करेंगे लॉग बेस 10 में। इसके बाद क्या है, माइनस के इंटू डी टी, तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट एम। अब हमें देखना होता है कि इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट एम की वैल्यू क्या होगी, जैसे हमने पहले निकाला था। तो आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। तो अब देखिए, जैसे हमने पहले किया था, जो हमारे पास रेट का अगर हमें के निकालना है तो क्या करेंगे, वेन टी कितना होगा, जीरो। जब टाइम जीरो होता है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है, प्रोपगेशन क्या है आपका, स्टार्ट नहीं होता है, उस कंडीशन पे जो आपका रिएक्टेंट्स है वो क्या बन जाएगा आपके पास, मैक्सिमम। क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। तो उस कंडीशन पे जो आपका आर है वो कितना होता है, आर नॉट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो यहां पे जो आ जाएगा एल एन आर कितना हो जाएगा, एल एन आर नॉट, ठीक है। इसको हम क्या लगा देंगे यहां पे, तो क्या हो जाएगा एल एन आर। अब देखो इसको क्या कहते हैं हम, आर नॉट, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस के इंटू जीरो, क्योंकि टाइम क्या ले रहे हैं, हम जीरो ले रहे हैं, और प्लस क्या आ जाएगा यहां पे एम। तो यहां से जो एम की वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगी, एल एन आर नॉट। जैसे वहां पे क्या आई थी हमारे पास, आर नॉट आई थी, यहां पे क्या आई आपके, एल एन आर नॉट, सिंपल है। अब यही वैल्यू हम क्या लगाएंगे इस इक्वेशन में, तो पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, एल एन आर इक्वल टू माइनस के इंटू टी। अब यहां भी कह सकते हैं कि एल एन आर नॉट, तो ये क्या डिपेंड कर रही है हमारे पास, एम को डिपेंड कर रही है। अब थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे, तो इसको आप यहां पर लेके आएंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहां लेंगे आप एल एन, एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू टी। और माइनस को कॉमन लेने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे क्या आ जाएगा, एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर, माइनस कॉमन ले लिया आपने, तो क्या आ जाएगा के इंटू टी, के इंटू टी, ठीक है। तो यहां से आप के कितना निकाल सकते हैं, अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि एल एन, अब देखो हो जाएगा फॉर्मूला लॉग एम माइनस एन, तो लॉग एम अपॉन एन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एल एन आर नॉट अपॉन क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, टी, नीचे क्या आ जाएगा, टी, तो ये क्या डिपेंड करेगा, के को, क्या डिपेंड करेगा ये, के को। और हम कह सकते हैं कि यदि हम जो है एल एन को कन्वर्ट कर ले लॉग बेस 10 में, तो आपको याद है यदि आपको एल एन कन्वर्ट करना है किसमें, लॉग बेस 10 में, तो एल एन कितना होता है 2.303, और ये क्या बन जाएगा, लॉग 10, क्या बन जाएगा, लॉग 10। तो इसको रिप्लेस कर लेंगे इससे, तो यहां से आपका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा मॉडिफाई और थोड़ा सा अच्छा लगने वाला हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, लॉग, अब इसको मतलब क्या है कि लॉग बेस 10 है ही, और ऊपर क्या आएगा आपके पास आर नॉट, और नीचे क्या है ये आर, और यहाँ पे क्या आएगा 1/T। तो ये क्या डिपेंड कर रहा है हमारे पास, रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए बड़े आराम से। अब देखो कभी कभी क्या है, आपको इसका थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला मिलता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वन इसी वाले फॉर्मूले से, तो के इंटू टी क्या हो जाएगा आपके पास, एल एन आर नॉट ई। और देखो इस एल एन का जो मतलब है वो क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है कि लॉग ई, और ये क्या आ जाएगा, आर नॉट अपॉन आर। अब अगर आप इस लॉग को हटाना चाहेंगे तो यहां से जो आपके पास के इंटू टी आएगा, तो k इंटू टी यदि आपको निकालना है तो क्या कह सकते हैं इसको, r नॉट अपॉन r। और देखो यदि मान लीजिए log बेस 10 का होता तो क्या होता, 10 की पावर बन जाता, बट यहाँ पे क्या log e है, बेस 10 का है, तो क्या बन जाएगा, e की पावर k इंटू टी, e की पावर k इंटू टी। और यदि आप इसको रिवर्स कर लेंगे, उल्टा करेंगे, तो क्या आएगा, r अपॉन r नॉट, तो क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस k इंटू टी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलता है जब आप निकालेंगे न्यूक्लियाई फिजिक्स के अंदर। तो यहां से आप आर कितना हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा, आर नॉट ई की पावर के इंटू टी। तो ये भी क्या है, इसका एक तरह का फॉर्मूला ही है, किसका, फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है ना। तो ये डिपेंड कर रहा है इसके पास के इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए अगेन।
ओके, तो अब देखिए अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमने यदि हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, यदि हमारे पास के लेना है कि k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, तो लॉग आर नॉट अपॉन आर, और एक हमारे पास कितने आए थे के एल एन आर नॉट अपॉन आर, और यहाँ पे क्या है टी। अब यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एल एन आर वर्सेज टी, तो जब ग्राफ है वो कैसा आपका सेव आपका उल्टा आएगा, तो ग्राफ कैसा आ रहा है इस तरह, जो उसका स्लोप क्या हो जाएगा माइनस के इक्वल, स्लोप क्या हो जाएगा माइनस के इक्वल, और जहां पे टाइम जीरो है वो क्या डिपेंड करेगा आपका एल एन आर नॉट, मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या निकालते हैं लॉग आर नॉट अपॉन आर, तो लॉग आर नॉट अपॉन आर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, तो के टी अपॉन टी, तो आपने अगर टी को वर्सेस करा हुआ है तो क्या बचेगा के अपॉन 2.303, तो क्या डिपेंड करेगा इसके स्लोप को। अब यदि आपको स्लोप पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं के, तो के क्या हो जाएगा स्लोप इंटू 2.303। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू पॉजिटिव और यहाँ वैल्यू क्या है नेगेटिव, क्योंकि आपने ग्राफ को यहाँ पे इन्वर्ट करके बनाया हुआ है, तो यहाँ से के कितना आएगा स्लोप इंटू 2.303, और स्लोप निकालना तो क्या हो जाएगा के अपॉन 2.303, और अगर यहाँ से स्लोप निकालना है तो क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस के, इक्वल टू माइनस के। तो क्या होते हैं आपके ग्राफिकल मेथड्स होते हैं, किसी भी रेट इक्वेशन आपको दे रखा होता है फर्स्ट ऑर्डर का, तो आप इस तरह क्या निकाल पाएंगे किसी भी ग्राफ का स्लोप, और स्लोप से हमें मेनली क्या निकालना होता है रेट कांस्टेंट, क्या निकालना होता है रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम क्या पढ़ते हैं फिर इसका पढ़ते हैं हाफ लाइफ पीरियड। अब देखिए हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरह है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है इस तरह है। यदि हमसे कह रहा है कि हाफ लाइफ क्या होता है, तो यदि हम जो है क्या कह रहे हैं कि मानो ये जो रिएक्टेंट्स लगातार क्या घटते आ रहा है, और लेट हम क्या मानने के इस टाइम पे क्या रहता है जो आपका एल एन आर है वो क्या बन जाता है एल एन आर नॉट का, एल एन आर नॉट का आधा, या कह सकते हैं कि हमारा लॉग के वर्सेस करेंगे तो क्या हो जाएगा जो आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आर नॉट का आधा, तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे टी हाफ या हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो जिस पर क्या होता है हाफ होता है। तो यदि हम इसको यहाँ पे लगाते हैं तो के कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन, यहाँ कह देंगे इसको टी हाफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग, ऊपर क्या आएगा आपके पास आर नॉट, और नीचे क्या आएगा आपके पास आर नॉट बाई टू, आर नॉट कैंसिल टू ऊपर, तो क्या बन जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग बेस 10 2। आपको बताया कि हम लॉग का टू देखते हैं, लॉग का टू देखेंगे तो कितना होता है 2.303 अपॉन टी हाफ, और इनटू क्या आ जाएगा 0.3010, तो ये डिपेंड करेगा के को। अब यदि आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से के कितना आ जाएगा 0.693 अपॉन क्या आएगा टी हाफ, अपॉन क्या आएगा टी हाफ, तो ये डिपेंड करेगा हमारे पास हाफ लाइफ का रिलेशन किसके साथ में यहाँ पे। अब देखो जो इसका हाफ लाइफ है वो क्या है, वो डिपेंड नहीं कर रहा आर नॉट पर, तो जो खास बात है जो हाफ लाइफ होता फर्स्ट ऑर्डर का होता था आर नॉट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो हाफ लाइफ है किसका फर्स्ट ऑर्डर का जीरो का करता है हाफ लाइफ, जीरो का जो है वो करता है आर नॉट पर, और जो फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ पीरियड है दैट्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसेंट्रेशन, मीन्स स्टार्टिंग आपके पास कितना भी हो नो मैटर हाफ लाइफ जो आपका आता है उसके फिक्स टाइम के बाद ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के इक्वल टू ये, तो अगर टी हाफ निकालते कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन के, ठीक है ना। तो ये क्या डिपेंड कर रहा है आपके पास इसके के हाफ को, क्या डिपेंड कर रहा है इसके के हाफ को, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये इस लेक्चर में आज आपने क्या कवर करा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और उसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, और जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इसका हाफ लाइफ, जिसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करते हैं, और एग्जाम आपका किसी भी तरह का हो, नीट का हो या जेई मेंस का हो या आपके बोर्ड्स के एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड्स किसी भी तरह का हो, स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड हो या सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड हो, सीबीएसई का हो, तो सब में क्या है इस बेस पर क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं, और ये चैप्टर आपके दो जगह इम्पोर्टेंट होता है, फिजिक्स में भी आता है आपके न्यूक्लियस चैप्टर में, तो सारे न्यूमेरिकल जो होते हैं ऑन द सेम बेसिस का मिलेंगे आपको न्यूक्लियाई में, और यहाँ तो आपका जो है इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक एंड शेयर करें, और घर पे रहें।